आइस एनिमेशंस जो प्रोडक्शन हाउस है रिसेंटली ओपन्ड, उसमें एज एन आर्ट डायरेक्टर पोस्टेड हूँ और एज ए कंसेप्ट आर्टिस्ट। और हमारे यहाँ सारा वैकम ब्रांड के टैबलेट्स यूज़ होते हैं, जैसा कि उन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया, सारा कंसेप्ट आर्ट और स्टोरी बोर्डिंग, डिजिटल पेंटिंग्स, मैट पेंटिंग, सारा के लिए हम लोग वैकम यूज़ करते हैं। हम आइस एनिमेशन में हम लोग फॉरेन मूवीज़ के लिए काम करते हैं, जिसमें पोस्ट प्रोडक्शन, VFX, और इस रीजन में हम लोग ही हैं जो कि ये फॉरेन मूवीज़ के लिए काम करें। अभी रिसेंटली हमारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, अमेरिकन कंपनी है, तो इसके लिए हमारा काम स्टार्ट हो गया है। तो वैकम ही में सब सारा प्री प्रोडक्शन का काम, आर्ट डिपार्टमेंट की तो बहुत ही नीड है ये, और सारा प्री प्रोडक्शन का काम जिसमें कंसेप्ट आर्ट से लेके और कलर कीज, मूड कीज वगैरह सब, स्टोरी बोर्डिंग, सारा वैकम होता है। मैं इसके फंक्शनैलिटी तो आप लोगों ने देख ली है कि किस तरह ये यूज़ करते हैं, थोड़ा काम मैं आपको दिखा देता हूँ। इनके कहने पर मैं ये ले आया था कि जो मैंने वैकम के थ्रू बनाया है सब सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप और पेंटर और आर्टरेज यूज़ करता हूँ मैं। मे बी यू आर अवेयर ऑफ आर्टरेज और पेंटर, फोटोशॉप तो बहुत कॉमन है। तो डिजिटल पेंटिंग्स और कंसेप्ट्स हैं मेरे बने हुए। ये सॉफ्टवेयर है आर्टरेज, जस्ट लाइक पेंटर और फोटोशॉप, मोर क्लोज टू ट्रेडिशनल मीडिया। मतलब ग्राफिक के काम के लिए, लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह और डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए नहीं है, ये प्योरली आर्टिस्ट के लिए है जो ट्रेडिशनल बैकग्राउंड रखते हैं। इफ़ दे वांट टू गो इनटू ट्रेडिशन डिजिटल पेंटिंग, सो दिस सूट्स देम द बेस्ट। स्टिल लाइफ, मैं सारे सब्जेक्ट्स ले आया था, टेस्ट वेरी करता है लोगों का। ये भी स्टिल लाइफ है, ये भी आर्टिस्ट पे बनी हुई है, बिल्कुल फ्री हैंड सॉफ्टवेयर है, कोई आपको फिल्टर्स वगैरह लाइक फोटोशॉप ये नहीं देता, एक ही ब्रश होता है, बिल्कुल जैसे आप कैनवस पे पेंटिंग कर रहे हैं। अगर आप लोगों में से कोई कैनवस पे पेंटिंग करता है और डिजिटल में, डिजिटल पेंटिंग में आना चाहता है, तो ये सॉफ्टवेयर मतलब आइडियल है। ये सारा मैंने लाइव से बनाया हुआ, ये कोई मैं फ़ोटोग्राफ्स वगैरह यूज़ नहीं करता। मतलब नॉर्मली क्या होता है, लोग फोटोग्राफ यूज़ करके उसको एडिट करते हैं या उस पर कोई फ़िल्टर लगा देते हैं, वाटर कलर फ़िल्टर, फिर वो उसको पेंटिंग कहते हैं, तो वो तो कोई नहीं मानता दुनिया में। तो ये सारा फ्री हैंड पेंटेड है, जैसे कि प्योरली पेंटिंग बनती है कैनवस पे, ब्लैंक कैनवस पे ब्रश से आप बनाते हैं, ये वही अप्रोच से मैंने बनाई हुई है सारी फ्रॉम स्क्रैच। मतलब आप चाहें तो स्केच कर लें पहले, फिर कलर्स करें, या डायरेक्टली मतलब ब्लॉकिंग कलर्स में कर लें। रूल्स सारे, अगर ट्रेडिशनल बैकग्राउंड है तो आप अवेयर होंगे सारे रूल्स से, कलर्स, टोन्स, वैल्यूज़ और लाइट शेड से, तो कंपोजिशन के रूल्स हैं, बस वो ख्याल रखा हुआ है। और मतलब रूल सारे ट्रेडिशनल हैं, लेकिन अब बना मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे है, तो दिस इज़ कॉल्ड डिजिटल आर्ट विद ट्रेडिशनल रूल्स। दिस इज़ अ कंसेप्ट फॉर मॉडर्न सिटी। ये मेरा पर्सनल काम है सारा, जो कि कभी कभी यूज़ हो जाता है प्रोफेशनल मतलब ऑफिस में, कोई आइडिया मिल जाता है फॉर बैकग्राउंड्स वगैरह। दिस इज़ इन पेंटर एंड फोटोशॉप। ये रिसेंटली बनाया था, ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स हैं अमेरिका में, तो उससे आइडिया लिया था, दैट वाज इंस्पिरेशन। तो एक रुइंड पुराना मिडिवल सिटी का कंसेप्ट था, सारा पेंटेड है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। स्काई का कुछ पार्ट मैंने इम्पोर्ट किया था, बाकी सारा जो लाइट वाइट है और ये नीचे जो सारा आप फोरग्राउंड देख रहे हैं, रोप्स और ये स्ट्रक्चर्स वगैरह, दीज आर ऑल पेंटेड। कंसेप्ट आर्ट में यू आर फ्री टू यूज़ इमेजेस इवन, आई डोंट प्रेफर दैट, मगर आप कंसेप्ट आर्ट अगर बना रहे हैं तो यू कैन फोटो मैनिपुलेट और यू कैन पेंट 100%, इट्स अप टू यू। दिस इज समथिंग एब्स्ट्रैक्ट वाइल्ड, ऐसे पिजन्स हैं। दिस इज शोइंग ए शॉप फॉर फ्लावर्स, और टैबलेट से जारी बात है, जब ये पहले नहीं था तो माउस, यू हैव माउस, सो फॉर दैट
If you're using mouse, it's very hard, quite impossible to draw straight lines or circles or even any kind of shape. तो अगर आपको इस किस्म का काम करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो अब जैसे कि लोगो वगैरह डिज़ाइन करने के लिए अगर आपको रेक्टेंगल्स और सर्कल्स वगैरह लेने हैं या फॉन्ट ही लिखना है तो माउस यूज़ हो जाता है. लेकिन अगर आपको फ्री हैंड काम करना है, स्केची लुक या कोई लोगो ही हो जो कि जिसकी लुक स्केची हो, जैसे हैंड ड्रॉन है, तो उसके लिए ऑफकोर्स आप माउस से नहीं बन सकता. और इस किस्म का काम तो माउस से बनाते ही नहीं है, बनाना चाहिए भी नहीं, होता ही नहीं. तो टैबलेट इज़ आइडियल फॉर दिस, इज़ द ओनली वे. कोड ग्रैंड गए होंगे आप लोग, मैं इससे प्रीवियस जॉब वहाँ पे जिन्होंने कोड ग्रैंड बनाया है उस वहाँ पे क्रिएटिव हेड था, तो जाना होता था वहाँ पे. तो ये ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वहाँ पे मैं था, तो स्केच कर लिया था मैंने पैड पे, उस स्केच से फिर मैंने ये पेंटिंग बनाई थी. सामने आपको ये सीन नज़र आता है, रेलवे ट्रैक जा रहा है और शिप खड़ी है, मे बी आप याद हो किसी को ये सीन. ये एक सिनेमैटिक स्टाइल है, लोअर एंगल से दिखाया हुआ है, ये ड्रैगन्स हैं मिडिवल एज. और ये मैं आपको एक जूम इन करके दिखा देता हूँ ज़रा. मतलब ये आप स्ट्रोक्स देखें, ये सब फोटोशॉप में और पेंटर में बना हुआ है. दिस इज़ नॉट अ फोटोग्राफ. फोटोग्राफ यूज़ करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक तो आपकी अपनी कंपोजिशन होती नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. ये अब फ्रॉम स्क्रैच बना है, मेरा अपने पसंद से कैमरा एंगल है, प्लस इसकी एक ख़ास लुक है जो कि मतलब फ़िल्टर का काम एक्चुअली कोई मानता नहीं दुनिया में, तो क्योंकि वो सब कंप्यूटर ही कर रहा होता है. तो फोटोग्राफ लेके फ़िल्टर लगा दिया तो वो दैट्स नथिंग, क्रेडिट गोज़ टू द कंप्यूटर नॉट टू द आर्टिस्ट. तो ये आप फ्री हैंड कोई भी ब्रशेज हो, मैं कोई स्पेशल ब्रश नहीं यूज़ करता, सिंपल ब्रश से आप बनाएं जूम इन करके और ड्राइंग करें, आउटलाइंस बना लें, फिर आप कलर करें. मेरा ट्रेडिशनल बैकग्राउंड है तो अच्छा है, अगर ट्रेडिशनल बैकग्राउंड हो दैट हेल्प्स अ लॉट. ये आपको मैं ये सब देखें, ये वैकम वैकम से सब ये सब ये पेंटर में बनी हुई, ये सब स्ट्रोक्स हैं वैकम के हैं. दिस इज़ डन थ्रू पैलेट नाइफ, ये पैलेट नाइफ डिजिटल पैलेट नाइफ है पेंटर सॉफ्टवेयर में, उससे बनी हुई है सब. ये नाइफ इफेक्ट है सारा, मतलब आई डेंट यूज ब्रश क्वाइट मच. देखें सर, अब एक दफ़ा अगर वैकॉम पे हाथ चल जाए, जो चल जाता है बहुत जल्दी, तो आपको बहुत एक कमांड जब हाथ में आ जाए तो आप फिर बड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपका यूनिक स्टाइल हो सकता है. देखिए ये सब सब स्ट्रोक्स हैं, क्विक कंसेप्ट बनाने होते हैं हम लोगों को बहुत जल्दी, यानी कि फ़ौरन ही क्लाइंट्स को भेजने होते हैं कंसेप्ट आर्ट करके, कभी टाइम नहीं होता. तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि अगर ये अब टूल आपके पास है. ये भी एक ये लैंडस्केप है, ये काफ़ी पुरानी है, 2006 पोस्ट इमेजेस में होता था मैं उन दिनों. ये फ्यूचरिस्टिक देखिए, दीज आर ऑल स्ट्रोक्स. तो आपको अगर फोटोग्राफ यूज़ करते हैं तो ये चीज़ नहीं मिलती, ये सारे ये ब्रश स्ट्रोक्स हैं ये सब. मतलब आप क्लोजअप क्लोज देखेंगे जूम इन करके तो यू कैन सी यू कैन फील ब्रश. और पेंटिंग जैसे देखी जाती हैं दुनिया में कि अब थोड़ा डिस्टेंस से देखते हैं, इम्प्रेशनिज्म की स्टाइल में की भी खास तौर पे. आप स्ट्रोक्स का मज़ा लेना है तो आप जूम इन कर लें, और नहीं तो आप बाहर से आप थोड़ा डिस्टेंस से जाएँ तो सब मर्ज हो जाता है आपस में कलर्स वगैरह, तो वो सारा आपको अब ये देखें सब डार्क लाइट सब सब स्ट्रोक्स हैं. ये हाईलाइट है इसकी, ये सब स्ट्रोक थोड़ी सी प्रैक्टिस करने पर आ जाता है. ये कंसेप्ट था स्नोई माउंटेन रेंज का. ये वैकॉम वालों ने ऑफिशियल
ऑफिशियली ली थी पेंटिंग। ये सैटर्न है रोजेस और स्टिल लाइफ विद रोजेस इन सैटर्न इसका टाइटल। टेक्सचर्स मेटल वगैरह सारा। दिस हैज बीन डन इन आर्टरेज। दिस इज माई रिसेंट वन, कल या परसों फिनिश किया। दैट्स इट। तो आप लोग का ताल्लुक है मल्टीमीडिया से भी, तो हमारा सिर्फ मैं तो क्योंकि आर्ट डिपार्टमेंट में होता हूँ, एज एन आर्ट डायरेक्टर काम करता हूँ, तो अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा प्रोडक्शन का पूरा एरिया है, डिपार्टमेंट है जिसमें, उसके अलावा हमारा एनिमेशन का है, सारा कुछ ही है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो आप लोग विज़िट भी कर सकते हैं, किसी ने कोई इंक्वायरी लेनी है तो मुझसे वो पूछ लें, और यू कैन ट्राई एंड इफ यू वॉन्ट टू इंटर इन दैट फील्ड। बड़ा अच्छा रहेगा कि प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं हमारे यहाँ, प्लस जैसे मूवीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं तो इन द लॉन्ग रन फ्यूचर में प्रोड्यूसर्स भी होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, जिनका ताल्लुक आर्ट से तो इतना नहीं है लेकिन ये सारा काम हमारे यहाँ होता है। तो आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो अप्रोच कर सकते हैं, आप लोग विज़िट करें या कोई ग्रुप बना के आप विज़िट कर लें, 20-30 लोगों का 2-3 दफ़ा कर लें इस तरह, तो कोऑर्डिनेट कर लें। और अच्छा है कि एक नया बैच पूरा इस जगह आ जाए, और क्योंकि वैसे तो इंस्टीट्यूट्स वगैरह में बाकी जगहों की बात कर रहा हूँ कि वो बहुत मतलब सरसरी सा ऊपर से एक आइडिया देते हैं, तो इतना उन लोगों को पता नहीं होता कि एक्चुअल प्रोडक्शन पाइपलाइन क्या होती है और प्रोडक्शन में काम होता कैसे। तो आप लोगों आके ज़रूर देखिए, जगह वगैरह देख लें, काम देख लें, हो सकता है कि आप इंकरेज हों कि यार इसमें जाना चाहिए इस फील्ड में। तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच, आप मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो ले लीजिएगा, फोन नंबर्स वगैरह, तो आइए ज़रूर। प्रोडक्शन एज प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स, और किसी को आर्ट का शौक है तो एज आर्टिस्ट हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, और मतलब सब कुछ है, अच्छा है, आप लोगों की फील्ड से रिलेटेड लाइन है। डेमो तो वैसे हो गया इसका यहाँ पे, नहीं लेकिन लाइव तो सॉरी, थैंक यू, नहीं मोस्ट वेलकम। कौन सा लिया हुआ यार ये? मैं एक लैंडस्केप स्केच कर देता हूँ। आपके हैंड प्रेशर पे बहुत डिपेंड करता है आपने कौन से किस तरह, ये जो मॉडल इंटोस का है इसमें ये फैसिलिटी मतलब इसमें ये एक है, और भी ऑप्शंस और भी मॉडल्स में होते हैं कि आपने कोई लाइट बिल्कुल अपने प्रेशर नहीं देना लाइट। अभी मैं लाइट बना रहा हूँ सारा, जब मुझे डार्क करना होगा तो मैं ब्रश साइज भी बड़ा कर सकता हूँ, ओपेसिटी से खेल सकता हूँ, और हैंड प्रेशर बहुत मतलब यूज़फुल चीज़ है। तो जो ड्राइंग करते हैं पेपर पे या मतलब यूजिंग कलर्स जो भी, तो वो अवेयर होते हैं हैंड प्रेशर से, तो ये आपको वो चीज़ देता है बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में।
थोड़ा सा अगर आपको ये यूज़ करना है तो आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ा सा पेंसिल और पेपर पे ज़रूर थोड़ा सा हाथ साफ करने सीखें, क्योंकि इफ़ यू नो दैट थिंग योर एक्चुअल ड्राइंग हेल्प्स यू व्हेन यू यूज टैबलेट। कलर्स नेक्स्ट टाइम